कि ये सैलरी का प्लांट है। सैलरी? हाँ ये सैलरी है। सैलरी है ये, अब थोड़ा छोटा है लेकिन ये तैयार हो चुका है। अच्छा, तो अगर आप बड़े गमले में लगाएं तो इसकी जो डंडियां हैं इसकी जूस बना के पिया जाता है। जूस बना के? हाँ, हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा। सूप में डाल के आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सूप में भी यूज होता है। इसमें भी, उसमें भी कर सकते हैं। ये केमो वाइन कहते हैं इसको, केमो वाइन। ये इसकी चाय बनती है फूलों की। अच्छा, फूलों की चाय बनती है इसकी। फूलों की चाय बनती है और बड़ी महंगी पत्ती बिकती है। तो हमारे पास ये प्लांट इसका आपको बड़ा सस्ता मिल जाएगा। छोटा पौधा आपको 200-300-400 में मिल जाएगा। ये बड़ा पौधा ये 500 रुपए का पड़ेगा आपको। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साथियों, अजीजों, तनवीर से देखिएगा पुरखलूस सलाम कबूलो। आज हम आए हुए हैं खान बाबा की नर्सरी में, तो इनसे पूछते हैं कौन से हर्ब प्लांट्स इनके पास हैं और उसके बारे में बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम खान बाबा, कैसे हैं? और ठीक ठाक है। ये नर्सरी में आपकी, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपकी नर्सरी है किस जगह पे? ये गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 16 में है। अच्छा, जौहर चौकी के करीब पड़ता है ये। अच्छा, तो आपकी कब से आप नर्सरी का काम कर रहे हैं? हमने तकरीबन 16 साल की उम्र में काम शुरू किया है, तो तकरीबन अभी हो रहा है कोई 45 के करीब हो रहा है उम्र। अच्छा माशाल्लाह, तो ज़्यादातर ज़िंदगी यहीं गुजरी नर्सरी के काम में। अच्छा अच्छा, ज़बरदस्त। तो आप ये, आपने हर्बल प्लांट्स भी लगाए हुए? काफ़ी लगाए हैं। तो उसके बारे में बताइए कि जो है किस सीज़न में लगते हैं और कौन कौन से हैं, उसके नाम बताइए। जी जी, चलें बताइए। ये ओरिगेनो है जिसको हम अजवाइन कहते हैं। अच्छा, एक तो वो मोटे पत्ते की आती है, वो अजवाइन नहीं है, उसको ऐसे अजवाइन कहते हैं। रियल ये असल प्लांट है, असल अजवाइन का ये प्लांट है जी। अच्छा, तो ये इसके पत्ते इस्तेमाल होते हैं और ये बड़ी मुफीद है, इसके फायदे भी बहुत ज्यादा है। तो ये जो है किस उसमें लगाई जाती है? ये परमानेंट पौधा है, ये लगाया तो परमानेंट प्लांट है ये। अच्छा, लेकिन ये सर्दी में इसके बीज उगाते हैं, बाकी अगर आप इसको गर्मी में थोड़ा सा किसी पौधे के आड़ में हल्का से साए में रख देंगे तो सनी शेड में भी चल जाएगा, लेकिन डायरेक्ट बहुत ज्यादा गर्मी से बचाना पड़ेगा आपको। अच्छा, तो ये बीज से आपने लगाया है? जी, ये बीज, ये अजवाइन के जो बीज है उससे भी लग सकता है, इसके अलग बीज होते हैं? ये बीज इसके अलग आते हैं क्योंकि वो हो सकता है पुराना हो तो फिर नहीं उगेगा वो। अच्छा अच्छा, ये फ्रेश बीज आप लगाएंगे तो ये उगेगा। फ्रेश बीज लगाएंगे तो इसके अंदर आप फिर इसके बाद ये पौधा कितना बड़ा होता है? ये इसी तरह फैलता है? इसका मैं दूसरा पौधा आपको दिखाता हूँ। अच्छा, दूसरा पौधा इसका, ये सारे ऐसे के प्लांट रखे हुए हैं, ये अगर आप ले जाएंगे ना तो अच्छे खासे फैले हुए हैं। अच्छा, ये मतलब ये ऊंचा होता है, ये फैलता है? नीचे फैलेगा, ऊपर नहीं आएगा, नीचे फैलता है ये। इसके छोटे छोटे पत्ते हैं और ये इसी तरह का है ये। अच्छा, तो ये परमानेंट प्लांट है, पूरे साल रहता है? पूरे साल रहेगा, गर्मी में थोड़ा सा आपको सनी शेड में रखना पड़ेगा क्योंकि बहुत तेज गर्मी से बचाना पड़ेगा। अच्छा, तो ये वैसे किस चीज में इस्तेमाल होता है? ये तो बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल होता है, ये पिज्जा में भी डलता है, पिज्जा में, और इसके कावा भी बनता है। अच्छा, इसका और भी बहुत सारे टिप में ये काम आ जाता है, बहुत सारे चीजों में आता है, शायद इसका भी टिप वालों को ज्यादा पता होगा मुझसे। चलें सही है। अच्छा, इसके अलावा और कौन से आपने लगाए हैं? मैं आपको वो ये प्लांट दिखाता हूँ, पुदीना। पुदीना, पुदीना ये वो है, ये ठंडा पुदीना होता है, मिंट सोप मिंट वाला पुदीना, जिसकी टॉफियां होती है ठंडी ना। अच्छा, और हाँ, जिसके हम दवाइयाँ वगैरह लेते हैं, ज्यादातर पेट के लिए होती है वो। अच्छा, इसकी होती है। अच्छा, इसका भी कावा बना सकते हैं? कावा भी बन सकता है, बाकी आपका अगर दिल खराब होगा दो पत्ते आप खा ले तो आपका जो है वो। अच्छा, अगर मछली वगैरह हो रही हो आपको तो उसके लिए दो पत्ते से खा लें। अच्छा, इसका भी आप बताएं कि ये इसका सीजन, जो हमारा दूसरा पुदीना है ना जी, इसी तरह इसी माहौल में ये रखना पड़ता है, लेकिन जैसे इसको गर्मी में थोड़ा शेड में रखना पड़ेगा तो इसको भी शेड में रखना पड़ेगा। अच्छा, तो ये पूरे साल चलता है? पूरे साल। अच्छा, दोनों परमानेंट है, लेकिन गर्मी में तो आपको पता है कराची में गर्मी थोड़ी ज्यादा होती है, तो उसमें फिर थोड़ा शेड में रखना पड़ेगा, अगस्त में फिर आप भरे बाहर निकाल दो उसको। इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं? कटिंग से लगेगा ये। अच्छा, बीज से फिर लंबा प्रोसेस होता है, हम कटिंग से सारा ही। अच्छा, आप आराम से एज इट इज कटिंग से इसको लगा सकते हैं। अच्छा, कटिंग में कोई हार्मोन? नहीं नहीं, कुछ नहीं, आप इसको ये एक आप यूं तोड़ेंगे इसको जी, ये जी जी, तो ये तोड़ के आप आसानी से यूं करके इसको किसी भी पॉट के अंदर आप यूं करके इसको ये लगाए, एक हफ्ते में तैयार हो जाएगा ये। अच्छा, जबरदस्त। और इसकी कहवा वगैरह भी बना सकते हैं? बहुत सारी चीजें हैं जो पुदीने में से बन सकती है। अच्छा, तो इसको जंगली पुदीना कहते हैं या नहीं? क्या जंगली पुदीना वो अलग चीज होती है, वो अलग चीज है, अलग है। हाँ, अलग है। अच्छा, ये मिंट वाला पुदीना है, इस मतलब ठंडा पुदीना है। हाँ, ठंडा पुदीना टॉफियां वगैरह में जुआ होता है। अच्छा, इसके अलावा बताइए। एक ये पुदीना है जो बाजार से हम लोग लेते हैं, ये भी मिल जाएगा आपको। अच्छा, एक दूसरा पुदीना है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है। अच्छा, ये देसी पुदीना है। कौन सा? देसी पुदीना। देसी पुदीना,
छोटे छोटे पत्ते होते हैं, खुशबू ज्यादा होती है इसमें। अच्छा अच्छा, तो तीन किस्म के पुदीने लगे हुए हैं आपके पास? ये तीन पुदीना है और भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, और देखते हैं हर्बल इनके पास। एक ये है, इसको अंग्रेजी में थाइम कहते हैं, इंग्लिश में थाइम। हाँ, लेकिन ये भी पुदीने के एक थाइम है। अच्छा। एक पुदीने की एक नस्ल ये भी है, इसको जंगली पुदीना कहते हैं। अच्छा, तो इसके क्या फायदे? इसकी कावा बनता है, ये भी जब आप कोई सालन बनाते हैं पिज्जा वगैरह तो इसमें भी डलता है। अच्छा। बाकी काफी चीजों में ये काम आ जाता है। थाइम जी, खुशबू होती है, सुखा के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सूखे में तो मिल ही जाती है, लेकिन यहाँ से फ्रेश मिलेगा। अच्छा, फ्रेश मिलेगा। तो इसकी याद कैसे लगा? कटिंग से? ये भी बीज से। ये बीज से लगा, लेकिन ये बीज में काफी टाइम लेते हैं, कम से कम 15 से 20 दिन 25 दिन ले सकते हैं निकलने में। हाँ, अच्छा, वो भी शेड में आपको उगाना पड़ेगा। ये उसकी कटिंग लग जाती है? इसकी कटिंग से फिर आप इनको आराम आराम से अपने जो है वो कर सकते हैं आप। और ये भी पूरे साल के हैं या? पूरे साल के हैं। अच्छा, लेकिन सिर्फ आपको गर्मी से आपको पौधों को खुद बचाना पड़ता है थोड़ा। अच्छा, सर्दियों में ज्यादा अच्छे चलते हैं? सर्दियों में अच्छे चलते हैं। अच्छा, और एक में ये कल आया था, आप इसका बता रहे थे कि ये नशे का इसमें जो है मतलब वो अभी तो छोटा है प्लांट बहुत। अच्छा, इसको कहते हैं मार्जोराम। मार्जोराम, मार्जोराम ये। अच्छा। नशे के आदि लोग होते हैं ना, तो वो अगर छुड़ाना चाहे नशा तो ये, क्योंकि उसको कावा बगाना बना के आप पिलाए उनको तो ये बड़े सुकून देती है। ये आप थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे आपको आराम आ जाएगा, सुकून आ जाएगा। अच्छा, तो ये नशा तो नहीं, कहीं इसकी आदत लग जाए? नहीं, ये मतलब ऐसी चीज नहीं है, इसकी साइड इफेक्ट नहीं है। साइड इफेक्ट नहीं है? साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छा, खुशबू तो बहुत अच्छी है, प्यारी खुशबू होती है उसकी। अभी तो छोटा है, ये भी अच्छा खासा फैल जाएगा, खूबसूरत पौधा बनेगा ये। अच्छा अच्छा, तो ये लंबा ज्यादा है, ये भी फैलता है? ये झाड़ी की तरह है, ये नीचे नीचे फैलेगा, जिस तरह ये आपका थाइम वगैरह फैलता है और ओरिगानो फैलता है, इस तरह ये भी फैलेगा। और ये केमोवाइन कहते हैं इसको, केमोवाइन। ये इसकी चाय बनती है फूलों की। अच्छा, फूलों की चाय बनती है? इसकी फूलों की चाय बनती है और बड़ी महंगी पत्ती बिकती है। तो हमारे पास ये प्लांट इसका आपको बड़ा सस्ता मिल जाएगा, छोटा पौधा आपको 200 से 300 400 में मिल जाएगा, ये बड़ा पौधा ये 500 रुपए का पड़ेगा आपको। अच्छा, जो आपने काफी लगाए हैं, मतलब इसकी चाय बनती है? परमानेंट है पौधा, परमानेंट है, गर्मी सर्दी दोनों। अच्छा, इसकी पत्ती यूज कर सकते हैं चाय? ये फूलों की आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये वाला? ये तो वही ओरिगानो है। ओरिगानो जी, अलग भी ओरिगानो जी। ओरिगानो पार्सले दिखाओ, पार्सले दिखा दें, पार्सले दिखा दें। ये सैलरी का प्लांट है, सैलरी। हाँ, ये सैलरी है, सैलरी है। ये अब थोड़ा छोटा है, लेकिन ये तैयार हो चुका है। अच्छा, तो अगर आप बड़े गमले में लगाएं तो इसकी जो डंडियां हैं, इसकी जूस बना के पिया जाता है। जूस बना के? हाँ, हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। सूप में डाल के आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, सूप में भी यूज होता है, इसमें भी, उसमें भी कर सकते हैं। जिसका जूस हड्डियों के लिए फायदेमंद है? जूस मेरे ख्याल से इसमें कोई और चीज ऐड करनी पड़ेगी टेस्ट के लिए, थोड़ा टेस्ट इसका अच्छा नहीं होता। अच्छा, और जैसे गाजर हो गया, सेब हो गया, कोई भी चीज आप इसको यूज कर सकते हैं, फ्रूट मिला के। ये पत्ते आप काट के हटाएंगे और ये डंडी जो होते हैं, इसकी डंडियां जी जी, इनको छोटे छोटे काट के आप उसमें ग्लेंडर में जूस बना सकते हैं। तो उसकी हड्डियों और इसके लिए ताकत, बहुत इसके फायदे हैं। अच्छा, ये ज्यादा फायदे, काफी फायदे इसका। माशाल्लाह, काफी पौधे आपके पास लगे हैं? और काफी लगाए हैं हमने और काफी तादाद में पड़े हैं। तादाद में जी जी जी। और ये है क्या चीज है? पार्सले। पार्सले ये सूखी में मिल जाती है, सूखी फॉर्म में लोग जो है वो बिल्कुल सूखा होता है वो, लेकिन ये फ्रेश है। फ्रेश है, इसको आप काटें जी, काट के आप यूज करें तो कुछ दिनों बाद ये दोबारा ग्रो हो जाएगा। अच्छा अच्छा, तो ये तकरीबन आधी गर्मी तक चल जाएगा। अच्छा, अगर गर्मी ज्यादा पड़ती है आधे गर्मी के बाद, यानी कि जैसे जून जुलाई में, हो सकता है ये मर जाए, लेकिन तब तक ये आराम से चलेगा। चलेगा। हाँ। तो इसके क्या फायदे वगैरह कुछ पता है आपको? इसके भी बहुत ज्यादा फायदे हैं, ये क्योंकि सब्जी है तो इसमें जिस तरह हम धनिया इस्तेमाल करते हैं तो बारहवें वालों को लोग ये चीज इस्तेमाल करते हैं धनिया की जगह। अच्छा, धनिया की जगह इस्तेमाल करते हैं। मिनरल्स वगैरह काफी इसमें जो है ना अच्छे वो आपको मिल जाएंगे, कैल्शियम वगैरह सारी चीजें हैं इसमें। जबरदस्त, माशाल्लाह काफी लगाए हुए इस तरह के पौधे। आइसबर्ग होती है ना सलाद, सलाद छोटा प्लांट है इसका। अच्छा, अभी ये तैयार नहीं हुआ है। अच्छा, तो ये भी अगर आप बाहर से लेंगे तो स्टोर वगैरह से तो कम से कम 300-400 तो किलो मिलेगी आपको। अच्छा अच्छा, लेकिन यहाँ पे हम इसको ये छोटा प्लांट 50 रुपए का देते हैं, इससे बड़ा चाहिए हो तो 150 रुपए का मिलेगा ये। सही, काफी लगाए में भी आपने ये। बाकी सब्जी के कोई प्लांट अगर चाहिए हो तो चेरी टमाटर भी मिल जाएगा। अच्छा, और ये क्या लगाया हुआ? ये शिमला के प्लांट लगाए हैं, शिमला मिर्च के लगाए हैं ये शिमला। अच्छा, ये आपने बीज से लगाए? जी हाँ, ये सारे शिमला है, काफी लगाए हैं शिमला के भी, अच्छे अच्छे पौधे हैं। और मैं आपको दिखा देता हूँ,
तो देखा दोस्तों आपने कि इन्होंने काफ़ी जो है प्लांट लगाए हुए हैं इसके हर्बल टाइप के, तो किसी दोस्त को लेना हो तो यहाँ से आप गुलिस्तान जौहर से ले सकते हैं और बहुत अच्छे प्लांट्स हैं ये हैं। इसको कोलेरा भी कहते हैं। क्या? कोलेरावी। कोलेरावी, अच्छा। ये एक सब्जी है, बड़ी बेहतरीन सब्जी, बहुत मजेदार टेस्ट होता है इसका। अच्छा, सब्जी है ये? कच्चा भी खा सकता है इसको। अच्छा अच्छा, पका के भी खा सकते हैं। अच्छा, ये भी आपने काफी लगाए हुए हैं? ये देखिए सब, ये कोलेरावी लगाया है इन्होंने। ब्रोकली है अभी, इसमें फल इसमें आया था तो वो तो सेल हो चुके हैं, लेकिन ये वाले जो हैं, अच्छा, इसमें आने वाला है। ये ब्रोकली है। ब्रोकली जी, अभी फल आने वाला है, सही। दिनों में इसमें फल आ जाएगा। टमाटर भी लगे हुए थे। टमाटर है, टमाटर यहाँ पे पड़े, मैं दिखा देता हूँ आपको किस तरह पड़े हैं। अच्छा, तो हर्बल टाइप के और सब्जियों के काफी इन्होंने प्लांट लगाए हुए हैं। टमाटर में ये चेरी टमाटर कहलाए जाते हैं। ये अभी फलों से ये भरे हुए, लेकिन ये फल थोड़े से तैयार होने में टाइम लगेगा इसको। अच्छा, तो मुख्तलिफ साइज में होते हैं। ये है, इसमें दूसरे साइज भी बहुत सारे हैं, जैसे थोड़े वाले हैं वो भी हैं। ये वाले भी है, ये अलग है। हाँ, ये डिफरेंट कलर में होते हैं, येलो है। अच्छा, और पिंक है, रेड है, जामनी है, काफी कलर है इसमें। अच्छा, और ये शायद बैंगन है क्या? ये बैंगन, ये बैंगन है। हाँ, ये बैंगन है। बैंगन में फूल आ रहे हैं जी। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सलाम अलैकुम। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।